नमस्कार दोस्तों, खेल इंडिया यूथ गेम में आपका हार्दिक स्वागत है। खेल इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन हरियाणा में किया जा रहा है। भारत की खेल की राजधानी कहें तो हरियाणा में आज 8वां दिन है। मेजबानी जो प्रदेश है इसमें हम बात करेंगे, मेडल टली है जो पदक तालिका है ये कौन से स्थान पर है। तो 11 जून की पदक तालिका में हम देखते हैं, पहला स्थान हरियाणा ने, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटका, फोर्थ प्लेस पर मणिपुर है और पाँचवें पे तमिलनाडु है। मेरे प्यारे साथियों, पदक तालिका के दौरान जो राज्य पहले स्थान पर है वो हरियाणा है। पिछले 2020 की बात करें खेलो इंडिया यूथ गेम की तो पहले स्थान पर हरियाणा था। अभी फाइनल मैच जो फाइनल है वो 13 जून को होने हैं। ये हैं जो गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल्स की जो तालिका है वो आपके साथ है। और हम बात करें सबसे पहले हरियाणा की, हरियाणा ने अब तक कितने पदक जीते हैं तो खेलो इंडिया यूथ गेम में हरियाणा ने ओवरऑल 101 पदक जीता है, जो एक शुभ अंक है। वही हम बात करते हैं गोल्ड मेडल की, स्वर्ण पदक 36 स्वर्ण पदक जीते हैं और दूसरे स्थान पर 33 पदक महाराष्ट्र ने जीत करके दूसरे स्थान हासिल किया है। महाराष्ट्र की हम बात करें तो ओवरऑल जो पदक हैं 86 इन्होंने प्राप्त किए हैं। थर्ड जो प्लेस है हमारा कर्नाटका का है, कर्नाटक 16 गोल्ड मेडल जीत कर तीसरे पायदान पर है। मणिपुर हमारा फोर्थ प्लेस पे है 13 पदक के साथ और तमिलनाडु 11 गोल्ड मेडल के साथ पाँचवें स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में जो ओवरऑल अब तक का जो रहा है वो हमने आपके साथ डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करें, पंजाब पाँचवें स्थान से सरक करके छठे प्लेस पे आ गया है। पंजाब ने अब तक 9 गोल्ड मेडल, 8 कांस्य पदक और सिल्वर पदक जीत कर 26 पदक के साथ छठे स्थान पर है। वही हम बात करें दिल्ली की, दिल्ली ने 7 गोल्ड मेडल, 10 सिल्वर और 25 ब्रॉन्ज जीत कर 42 पदक जीत कर 7वें पायदान पर है। वही हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल ने अभी तक 7 गोल्ड मेडल जीत कर 8वें स्थान पर रहा है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सबसे बड़ा प्रदेश, परंतु अब यहाँ खेलो इंडिया यूथ गेम में 5 गोल्ड मेडल जीत करके 9वें स्थान पर है। मध्य प्रदेश 5 गोल्ड मेडल साथ और 5 सिल्वर और 8 रजत के साथ ये 10वें स्थान पर है। ये टॉप 10 मेडल की लिस्ट थी खेलो इंडिया यूथ गेम में। तो मेरे प्यारे साथियों, खेलो इंडिया यूथ गेम की जो पदक तालिका है इसमें आपका हार्दिक स्वागत है।